पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा इंडियन प्रीमियर लीग पर दिए अपने बयान से पीछे हट गए हैं। उनका कहना है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। राजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नीलामी मॉडल और पर्स बढ़ाने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग को आईपीएल की श्रेणी में रखा जा सकता है। आईपीएल के 15वें सीजन की शुरुआत से पहले राजा ने इस तरह का कमेंट किया था। उस समय बीसीसीआई अगले 5 साल के लिए आईपीएल के प्रसारण के अधिकार बेचने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। बोर्ड को इससे बहुत ही बड़ी रकम मिलने की उम्मीद है। राजा ने हाल ही में अपनी इस बात से इनकार किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राजा का कहना था कि उन्हें भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का अंतर मालूम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा इंडियन प्रीमियर लीग पर दिए अपने बयान से पीछे हट गए हैं। उनका कहना है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नीलामी मॉडल और पर्स बढ़ाने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग को आईपीएल की श्रेणी में रखा जा सकता है। आईपीएल के 15वें सीजन की शुरुआत से पहले राजा ने इस तरह का कमेंट किया था। उस समय बीसीसीआई अगले 5 साल के लिए आईपीएल के प्रसारण के अधिकार बेचने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। बोर्ड को इससे बहुत ही बड़ी रकम मिलने की उम्मीद है। राजा ने हाल ही में अपनी इस बात से इनकार किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राजा का कहना था कि उन्हें भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का अंतर मालूम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा इंडियन प्रीमियर लीग पर दिए अपने बयान से पीछे हट गए हैं। उनका कहना है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। राजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नीलामी मॉडल और पर्स बढ़ाने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग को आईपीएल की श्रेणी में रखा जा सकता है। आईपीएल के 15वें सीजन की शुरुआत से पहले राजा ने इस तरह का कमेंट किया था।